नमस्कार जी पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन से इस वक्त हम आपके साथ है। लाइव जुड़े हुए तस्वीरें आप आ, सोलन की इस वक्त देख रहे हैं हालांकि हल्के हल्के बादल बीच में दिखाई भी दे रहे हैं और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में आज मौसम में बदलाव हो सकता है इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है हालांकि कल से तो जिस तरह के मौसम विभाग की चेतावनी है कि कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है हालांकि आज से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और मौसम में बदलाव प्रदेश में आज देखने को मिल सकता है इस तरह का मौसम विभाग का मानना है प्रदेश में के आठ शिमला सहित आठ जिलों में दो दिन बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की ओर से व्यक्त किए हैं। बारह और तेरह दिसंबर को कुछ जगह पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है आज पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से मौसम में आज से बदलाव देखने को मिलेगा इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में इस वक्त आसमान पर हालांकि साफ है बीच बीच में हल्के हल्के बादल जरूर है लेकिन मौसम ठंडा बहुत है क्योंकि ठंड अब लगातार बढ़ती जा रही है और स्थिति यह हो गई है कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी है उसके अनुसार मध्य और उच्च पर्वतीय जिला जैसे शिमला सोलन सिरमौर मंडी कुल्लू चंबा किन्नौर और लाहौल स्पीति में मौसम बदलने की संभावना व्यक्त की गई है मैदानी जिले उन्ना बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा में धूप खिली रहेगी इस दौरान लेकिन हो सकता है कि बीच बीच में बारिश हो क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान इसी तरह के होते हैं कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई थी कि प्रदेश के सात जिलों में बारिश या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश भी देखने को मिली और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी देखने को मिला चौदह दिसंबर के बाद मौसम साफ रहेगा यदि अधिकतम तापमान की बात करें तो उन्ना में इस वक्त अधिकतम तापमान है और 25 डिग्री सेल्सियस के पास उन्ना काबू तापमान पहुंच गया कुलदीप जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं संदीप चावला जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है मदन लाल जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं रिंकू जी हम हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है सोलन की यह तस्वीरें और सभी दर्शकों का दिन आज का शुभ हो भगवान से हमारी यही प्रार्थना है नंदराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और अधिकतम तापमान की बात करें तो उन्ना में अधिकतम तापमान पच्चीस पॉइंट दो डिग्री सेल्सियस रहा है कांगड़ा सुंदरनगर में तेईस डिग्री चंबा में तेईस पॉइंट तीन सोलन में बाईस पॉइंट सात में इक्कीस पॉइंट पाँच नाहन में इक्कीस पॉइंट एक धर्मशाला में इक्कीस डिग्री सेल्सियस मंडी में अठारह पॉइंट आठ शिमला में पंद्रह पॉइंट सात डलहौजी में तेरह पॉइंट दो मनाली में बारह पॉइंट नौ कल्पा में बारह पॉइंट एक और केलांग में पाँच पॉइंट सात डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है केलोंग में तो इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान भी इस तरह का है जैसे कई शहरों का न्यूनतम तापमान हो उतना वहां पर अधिकतम तापमान है केलोंग में पांच पॉइंट सात है और न्यूनतम तापमान तो वहाँ पर माइनस में इस वक्त चला हुआ है रिंकू जी हमें बता रहे हैं कि चौपाल में मौसम बिल्कुल साफ है दर्शना जाट जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं अश्विनी चौहान जी जुड़े हैं तो उनका भी पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है मौसम की इस जानकारी में और न्यूनतम तापमान में भी काफी बदलाव प्रदेश में देखने को मिला है न्यूनतम तापमान लगातार अब कम होता जा रहा है यदि हम के समदों की बात करें तो समदों में माइनस चार पॉइंट छह डिग्री सेल्सियस से तापमान रिकॉर्ड किया गया है समदो में कल्पा में एक पॉइंट आठ है मनाली में जीरो दो है भुंतर में जीरो है केलोंग में माइनस है सुंदरनगर में एक पॉइंट एक है मनाली में मंडी में दो डिग्री सेल्सियस है सोलन में दो पॉइंट चार है नारकंडा में एक पॉइंट दो चम्बा में तीन पॉइंट पांच ऊना में चार पॉइंट चार कांगड़ा में पाँच पॉइंट छः शिमला में छः पॉइंट एक धर्मशाला में सात पॉइंट दो डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है काबिल गौर बात यह है कि शिमला में न्यूनतम तापमान छः पॉइंट एक डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि ऊना में चार पॉइंट चार है सोलन में दो पॉइंट चार है मंडी में दो डिग्री सेल्सियस है और सुंदरनगर में एक पॉइंट एक डिग्री सेल्सियस है शिमला की तुलना में इस वक्त सोलन में ज्यादा ठंड ऊना में ज्यादा ठंड शिमला में मंडी सुंदरनगर में ज्यादा ठंड पड़ रही है और चंदेल ईशान यशु जी हमारे साथ जुड़े हैं आज मतियाना में बादल छाए हैं चंदेल जी हमें जानकारी दे रहे कृतिका कार्तिक जी हमारे साथ जुड़ी है तो उनका हम स्वागत करते हैं सुभाष पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी स्वागत है सुरेश कुमार जी का भी स्वागत है स्वदीप सू जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम इस वक्त बना हुआ है पहाड़ों की तुलना में मैदानी जो निचले और प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्र है वहां पर इस वक्त ज्यादा ठंड पड़ रही है शिमला में जहां न्यूनतम तापमान छह पॉइंट एक है भले ही शिमला में दिन के समय भी ठंड ज्यादा पड़ रही है वहां पर अधिकतम तापमान पन्द्रह डिग्री सेल्सियस के आसपास है जबकि सोलन या फिर ऊना की बात करें तो वहां पर अधिक बीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर इन शहरों का तापमान बना हुआ है लेकिन रातें वहां पर ज्यादा शिमला से ज्यादा ठंडी इस वक्त सुन्दरनगर सुंदरनगर उन्ना और आ, सोलन की है मोहम्मद आजम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है जम्मू कश्मीर से है जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और जम्मू कश्मीर के मौसम की जानकारी भी हम चाहेंगे किस तरह का वहाँ पर मौसम चला हुआ है सुदीप सूजी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में कि हिमाचल प्रदेश में अब दो दिनों तक बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं इस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है हालांकि मौसम में बदलाव आज से देखने को मिलेगा कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं लेकिन कल बारिश और बर्फबारी की संभावना आ, मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है हिमाचल प्रदेश की यह तस्वीरें सोलन की है इस वक्त आप देख रहे हैं सुनील तनोवर जी हमारे साथ आ, आ, सोलन से जुड़े है और चन्देल ईशान यशु जी बारिश का भोगिक बारिश जी कल से प्रदेश के आठ जिलों में बताया गया है कि बारिश हो सकती है आठ जिलों में और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में और मुकेश गुप्ता जी जी का हम स्वागत करते हैं मुकेश गुप्ता जी थोड़े परेशान भी है कल इनकी गाड़ी का टोल प्लाजा में टोल कट गया जबकि गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ी का सनवारा के टोल प्लाजा में टोल कट गया और मेहता पॉल मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं नारकंडा में हल्के हल्के बादल छाए हैं अरविंदर सिंह ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि रात से तुम्हें लहर और दिन में धूप है इस तरह का मौसम बना हुआ है मोहम्मद आजम बता रहे हैं कि कश्मीर में बर्फ बर्फ का चक्कर इस तरह की वहां से जानकारी है रोशन ठाकुर जी करसोग से हमारे साथ जुड़े हैं मौसम अभी बढ़िया है कश्मीर का मोहम्मद आजम जी हमें बता रहे हैं और मुकेश गुप्ता जी का तो हमने स्वागत कर ही लिया है और मुजामिल बशीर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं पंजाब केसरी के मौसम के बुलेटिन में तो उनका भी हम स्वागत करते हैं सोलन के आप तस्वीरें बाईपास का एरिया और ऊपर सर्कट हाउस और जो सोलन का चंबा घाट पर स्थित है और सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मौसम सोलन में आज साफ़ है इसमें कोई दोहरा नहीं बीच बीच में हल्के हल्के बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं लेकिन थोड़ी देर में मौसम साफ होने की संभावना यहाँ पर बनी हो सकती है इस तरह की हालांकि मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है मुजामिल बशीर बशीर जी हमें बता रहे हैं कि कश्मीर में 16 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा विद्वान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं सुनील तनवर जी बता रहे हैं कि शिमला में बादल छाए हुए सुधीर ठाकुर राणा रीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं सुरजीत जी बता रहे हैं लाना चेता सिरमौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सुरजीत जी लाना चेता से हमारे साथ जुड़े हैं और लाना चेता सिरमौर का लहसुन उत्पादन के लिए जाना जाता है यह क्षेत्र और भारत भूषण नेगी जी हमारे साथ किन्नौर में मौसम साफ है जिस तरह की वो जानकारी हमें दे रहे हैं चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की आप तस्वीरें देख सकते हैं लगातार वाहनों की आवाजाही शिमला की ओर बनी हुई है विधि चंद शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं स्तरीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में तो उनका भी स्वागत है बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह के इस बुलेटिन में जुड़े हैं तो उसके हम आभारी भी हैं और धन्यवादी भी हैं क्योंकि मौसम की इस अपडेट में आप लोगों का जो सहयोग हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम नई नई जानकारी क्योंकि आपके माध्यम से ही हमें मौसम की जानकारी मिलती है और लुकेन्द्र प्रोस्टा जी बता रहे हैं कि चौपाल में इस वक्त मौसम साफ है आपके माध्यम से ही हमें जानकारी मिलती है और उन्हीं जानकारी को हम साझा करते हैं मौसम विभाग के पूर्वानुमान जरूर इस तरह के हैं कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आठ जिलों में मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश की संभावना को व्यक्त किया है प्रोस्टा जी वेरी गुड मॉर्निंग जी लुकेंदर जी और सोलन के हम गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ झंझेली का मौसम साफ रहेगा सर इस तरह का उनकी तरफ से जानकारी आई है आज मौसम में बदलाव की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है कई जगहों पर बादल इस वक्त प्रदेश में छाए हुए हैं हालांकि मौसम जिस तरह के पहले पूर्वानुमान मौसम का मौसम विभाग का ग्यारह और बारह का था अब पूर्वानुमान मौसम विभाग का बारह और तेरह का हो गया है लेकिन आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा पश्चिम विक्षोभ आज से प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से बारिश और बर्फबारी की संभावना प्रदेश में बनी हुई है हालांकि पिछले काफी दिनों से प्रदेश में बीच बीच में मौसम बदलाव बीच बीच में देखने को मिल रहा है कई जगहों पर बारिश भी हो रही है कई जगह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हो रहा है लेकिन प्रदेश के ऐसे बहुत से अधिकांश क्षेत्र है जहां पर लंबे समय से बारिश नहीं हुई है किसान आ, इंतजार कर रहे हैं बारिश का लेकिन बारिश नहीं हो रही है मौसम बेरुखी सादे हुए हैं और उसकी वजह से जो लंबा ड्राई स्पेल है वो एक काफ़ी लंबा होता जा रहा है अभी तक बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं रबी का सीजन की आ, आ, की फसल अब खेतों में लग चुकी है लेकिन इस वक्त बारिश की जरूरत है तो बारिश हो नहीं रही है हिमाचल प्रदेश में ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पर सिंचाई की व्यवस्था है बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं बल्कि ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है और किसान बारिश के ऊपर ही निर्भर है और उन क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कतें किसानों को उठानी पड़ रही है शिशुपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं ये राजपूत यश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं बिलासपुर के मौसम की यह जानकारी दे रहे हैं कि बिलासपुर में इस वक्त मौसम साफ है बिलासपुर में मौसम साफ है कई जगह पर बादल छाए हुए हैं कई जगहों पर मौसम साफ है सोलन में भी अब पहाड़ियों पर हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो गई है लेकिन बीच बीच में बादल देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से इस तरह का मौसम सोलन का अभी बना हुआ है सर राजस्थान में भी बदलेगा क्या मौसम बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं वहां का राजनीतिक मौसम तो बदल चुका है लेकिन अब मौसम में बदलाव होगा उसके बारे में अभी फिलहाल मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है पी एल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं चिराग धरपुर पे भी मौसम साफ है इस तरह की वो जानकारी दे रहे है बदन गुजर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं अजय शर्मा जी का भी पंजाब केसरी किस बुलेटिन में स्वागत है बीच बीच में हल्के हल्के बादल सोलन में भी छाए हुए हैं लेकिन धूप भी पहाड़ियों पर अब धीरे धीरे के खिलनी शुरू हुई है सोलन की तस्वीर है इस वक्त आप देख सकते हैं नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है सोलन और सोलन काफी सुंदर क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का और प्रवेश द्वार भी है हिमाचल प्रदेश का और कसौली हिल्स स्टेशन से हमारे साथ मनमोहन विशिष्ट जी जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं और कसौली की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मनमोहन जी हमें दे रहे हैं कसौली में किस तरह का मौसम रहेगा मनमोहन जी की तरफ से हमें जानकारी इस वक्त दे रहे हैं क्योंकि मौसम में वहां पर भी कसौली हिल स्टेशन है सोलन का प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है जहां पर उदित ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं आज सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है हल्के बादलों के छाने से तापमान में गिरावट है कसौली का मौसम भी बदला है और मनमोहन जी की तरफ से हमें जानकारी मिली है कि कसौली का मौसम में बदलाव है हल्के बादलों से आसमान पर बादल छाए हुए हैं तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है बलदेव ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में तो उनका भी हम स्वागत करते हैं तारा, तारा, तारा तेरा जैसा यार कहा यानी राजन मुशोबरा से हमारे साथ जुड़े हैं और राजन जी का भी पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है और राजन जी हमें जानकारी वहां की देते हैं बदन गुजर जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं राम राम सर जी राम राम जी बहुत बहुत और राजस्थान से जुड़े हैं राजस्थान में आजकल राजनीतिक माहौल बदला है और हालांकि वहां पर बारिश होगी या नहीं इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है सोलन में हिमाचल प्रदेश में उसका असर ज्यादा देखने को मिल रहा है मशोबरा में भी मौसम खराब है इस तरह की जानकारी राजन जी की तरफ से हमें आ रही है नमस्कार जी पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है पंजाब केसरी और कृतिका कार्तिक जी हमारे साथ है। जुड़े हैं मंडी में कैसा मौसम रहेगा मंडी में भी ब... मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि जिन जिलों आठ जिलों में बर्फबारी और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है उसमें उनमें मंडी जिला भी शामिल है संजू संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका हम स्वागत करते हैं सुभाष शर्मा जी का स्वागत है निगी पूजा जी का स्वागत है केशव राम जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा हालांकि मौसम विभाग का जो जिस तरह का पूर्वानुमान था कि आज से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है लेकिन अब यह पूर्वानुमान पूर्वानुमान बारह से 13 दिसंबर के बीच का है उसके बाद मौसम साफ रह जाएगा लेकिन जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आज से सक्रिय हो रहा है तो उसका असर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिला है कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं कई जगहों पर धूप खिली हुई है कई पर मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश की कोई संभावना नहीं है लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं, जिनमें ऊना जिला है बिलासपुर है कांगड़ा हमीरपुर जिला है तो उन जिलों को लेकर मौसम विभाग का मानना है कि वहां पर बारिश की संभावना थोड़ी कम है बिलासपुर हमीरपुर और उन्ना जिला तीन जिले ऐसे हैं जहां पर थोड़ा मौसम विभाग की ओर से इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है कि बारिश और की संभावना थोड़ी कम है लेकिन बाकी जिलों में मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उन उनमें उनके अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है और पिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका हम स्वागत करते हैं विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी स्वागत है बंसी लाल जी का स्वागत है प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश चौहान जी का स्वागत है और नेगी पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत पंजाब केसरी के, के बुलेटिन में करते हैं और कामेश्वर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है मश्यारू जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं रोशन जी का स्वागत है और संजय संजू जी हमारे साथ जुर्गा से जुड़े हैं बता रहे हैं कि जुर्गा में हल्के बादल छाए सुभाष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं तो पंजाब केसरी के मौसम के है। इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम में, में बदलाव देखने को मिलेगा ठंड कड़ाके की पिछले काफी दिनों से पड़ रही है अब भी ठंड पड़ेगी तो ठंड से अपने बचाव भी रखे इंतजाम रखिए सावधानी बरतें और कल से मौसम में ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ मंडी शिकारी देवी से जुड़े हैं तो हल्के हल्के बादल की जानकारी इस वक्त दे रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं अमजद शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं बॉबी राजपूत जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं संसार डेल्टा जी का स्वागत है देवराज ठाकुर जी का स्वागत है और दर्शकों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आर आर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं मौसम में आज के लिए बस इतना ही देखते रहे पंजाब केसरी टीवी बहुत बहुत धन्यवाद जी बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और जाते जाते, जाते कुलवंत सिंह जी का भी स्वागत है और डी एस चौहान जी का भी बीरू चौहान जी का भी स्वागत है बी ओ वी शर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं मेरा बाबा नानक जी आपका भी स्वागत है शिमला में कैसा मौसम रहेगा जी आज बादल छाए हुए हैं प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं शिमला में बादल छाए हुए हैं बारिश होगी या नहीं इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान इसी तरह का है और बी ओ वी शर्मा जी का भी स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हमें दे इजाजत बहुत बहुत धन्यवाद जी